गाइस वेलकम टू अवर चैनल। आई एम पिंकी, पिंकी मेकअप आर्टिस्ट है। आप सब कैसे हो? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पिंपल्स क्लीन करना सिखाऊंगी, पिंपल्स को जड़ से कैसे खत्म करना है। तो चलिए देखिए, आपको ये एलोवेरा लेना है। घर का एलोवेरा हो तो आपको वही लेना है, मार्केट का मत लेना। अगर चाहो, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो, जैसे कि पतंजलि का हुआ, वाओ का हुआ, वो भी आप ले सकते हो। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप घर का लोगे एलोवेरा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसको ऐसे कट कर लेना है, इसको साइड से भी निकाल देना है, दोनों साइड से निकालना है आपको। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है, ठीक है? आप देखिए मैं कैसे करती हूँ। इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है? आपको ना इसकी मसाज करनी है फेस पे, और जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ आपको ज्यादा करनी है। देखिए मैं कैसे करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। आपको ऐसे मसाज करना है और पूरे फेस पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको आईज को छोड़ना है या इसमें लिप्स को छोड़ना है, तो इसमें ऐसा नहीं है। आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे इसकी मसाज करनी है, बहुत हल्के हाथ से करनी है। आप ये मत सोचना कि मैं टाइट हाथ से कर रही हूँ, मैं टाइट हाथ से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। और मैं तो आपको यही बोलूंगी, कम से कम आप 10-15 मिनट मसाज करना है इसकी। अगर आप चाहते हो कि पिंपल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएं, तो आपको 10-15 मिनट ही इसकी मसाज करनी है। और जैसे आपको लग रहा है, जैसे आपके यहाँ पिंपल्स हैं, यहाँ पिंपल्स हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं पिंपल्स हैं लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइट आर से करना, ठीक है? आप समझ रहे हो कि जैसे आपके यहाँ पिंपल्स है, मेरे देखो यहाँ पे छोटा सा पिंपल्स है, अगर आपको दिख रहा हो तो छोटा सा पिंपल, तो यहाँ पे मैं टाइट हाथ से करूंगी। वैसे पूरे फेस पे हल्के हाथ से करना है, पर पिंपल्स पे आपको टाइट हाथ से करना है, ठीक है? जैसे आपके डार्क सर्कल है तो आप वहाँ पे भी मसाज देना, इससे भी थोड़े लाइट हो जाएंगे आपके डार्क सर्कल। तो देखो आईज पे कैसे कर रही हूँ मैं, ऐसे आपको आईज पे करना है। जब पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो मैं इसे एलोवेरा से ही मसाज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं मेरे पिंपल्स रहते हैं, बट मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, मेरे डस्ट की वजह से पिंपल्स होते हैं। जब भी जैसे डस्ट वगैरह का काम हो या मुझे बाहर जाना होता है, तो मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, तो मैं एलोवेरा ही यूज करती हूँ और उसी से सही हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ऐसे करती हूँ, पिंपल्स जो होते हैं, जब मैं जहाँ पे मेरा पिंपल्स होता है वहाँ मैं टाइट हाथ से कर रही होती हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूँ, अगर आप इसमें फ्रीज में रख के अगर करते हो ना, तो और आपके लिए और सही होगा। अगर गर्मियों में कर रहे हो तो फ्रीज में रख के कर लेना, अगर सर्दियों में कर रहे हो तो आप ऐसे एलोवेरा से तोड़ के तो आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ आपके पिंपल्स ही क्लीन नहीं करता है, ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग भी करता है, और आपके डार्क सर्कल्स होंगे उनको भी क्लीन करता है। मैंने मसाज कर लिया, मैं फेस वॉश कर लूंगी। आप स्किन देखो मेरी, तो ऐसा नहीं है कि एलोवेरा से कुछ भी नहीं होता, नहीं, एलोवेरा से होता है, सीरियसली होता है, क्योंकि मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैं आपको ऐसी किसी को देख के या किसी से सुनकर नहीं बता रहा, मैं खुद अपने ऊपर किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? जो एलोवेरा मसाज मैंने दिए है, वो आप दिन में कभी भी दे सकते हो। बस मैं आपको यही बोलूंगी, अगर नाइट में देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको सजेशन यही करूंगी कि आप नाइट में ही करना। अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो नाइट में ही कर रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दोबारा मसाज करके दिखा रही हूँ, नहीं, दोबारा मसाज नहीं करना है। जैसे हम फेस पैक यूज करते हैं ना, वैसे ही फेस पैक की तरह इसको अच्छे से फेस पे पूरे पर लगा लेना है। मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आपको ऐसे ही अप्लाई करना है और आपको इसको लगा के सोना है। अगर आपको पिंपल्स अच्छे से क्लीन करने, मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके 3-4 दिन में आपके पिंपल्स क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।